बेताल में अगले सप्ताह देखिए। रामेश जी, हमें सूर्य देव तक पहुंचने का मार्ग बताइए। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा सूर्य देव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करती है। यदि आप किसी प्रकार माता नर्मदा से पूर्व सूर्य देव के समक्ष जल अर्पित करें तो यह असंभव कार्य संभव हो सकता है। आज आपने हमें प्रथम जल अर्पित किया है, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने धर्म के पालन के लिए आपके जीवनदायी कुंडल चाहिए। वीर कर्ण के ये कुंडल धारण करना किसी के लिए संभव नहीं। क्या सम्राट विक्रमादित्य अपना राज धर्म पूर्ण करने हेतु क्या दे पाएगा मृत को जीवन दान? महाराज, आज सूर्य देव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि माँ नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला? विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वर्णमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी, ये आप सबका मनोरंजन करेगी। अभी राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती है या नहीं। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया। तूने एक ऋषि का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? विक्रम बेताल में कल देखिए। लगता महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कितना समय हो गया किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। हे कल्पवृक्ष, आप तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कितने अपूर्ण हैं। हमारी वर्षों की मनोकामना को पूर्ण करें कल्पवृक्ष। देवी, हमें भय कि आपकी ये इच्छा किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। स्वामी देखिए ना, इस कल्पवृक्ष से हमें क्या मिला है। जो एक स्त्री का अपमान करे, एक पिता के सम्मुख उसकी पुत्री का हरण करे, उसके लिए केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड।
एक ऐसी शक्ति जो हमें इसका वध करने से रोक रही है। महादेव, क्या आप वास्तव में भूल गए कि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आपने ही तो मुझे वरदान दिया था? इस संसार की कोई शक्ति मुझे नष्ट नहीं कर सकती। ये सहस्त्र वर्ष पहले की बात है महादेव। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए वत्स। बोलो क्या वर चाहिए? हे महादेव, मैं जानता हूँ कि आप मुझे अमृत का वरदान नहीं दे सकते, इसलिए मुझे यह वरदान दीजिए कि संपूर्ण संसार में मेरा अंत केवल आपके प्रतिरूप के द्वारा ही हो। ऋषिवर, हमारी पुत्री और आपकी शिष्य काशी का जीवन संकट में है। उस असुर का अंत केवल ये बालक कर सकता है, इसलिए हम चाहते हैं ऋषिवर कि आप इस बालक को रात्रि भर में पूर्ण युवा कर दें। महादेव का प्रतिरूप बनार। हे महादेव, हर पिता विवाह के उपरांत अपनी पुत्री और जमाता को उपहार देते हैं। कहो बनार, हमसे क्या उपहार चाहते हो? मैं अपने और काशी के निवास के लिए आपका कैलाश चाहता हूँ। पापा कुछ करो ना, हमें भी इन लोगों की तरह होली मनानी है। अम्मा देखो ना, जब मौसम में दिवाली आएगी। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, दिन में दिए लगाना, दिन में पटाखों फोड़नो, फुलझड़ी जलानो, रसगुल्लो बनानो। और जो चाइनीज मसाज वाली है वहाँ पे, बहुत ही स्किल्ड, बहुत काबिल लड़की है। हम भी आपसे कछु बोलना चाहते हैं। अका है कि हमको भी पीठ में बहुत ही दर्द है, सोच रहे वहाँ जाके मालिश करवा ले अपनी पीठ का। नो, मुझे सूकी ने भेजा है मिस्टर तिवारी को कुछ दिखाने के लिए। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। सूकी ने कहा है कि वो इनके यहाँ खाने पर आना चाहती हैं। हट! क्या तुमने कहा हट हट? नहीं, हमने हाँ बोला। अब तय हो गया कि तू होली का त्योहार मनाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझे, मुझे होली नहीं मनानी। तुम ये सब तब कर पाओगी ना जब माधव भैया तुम्हारे साथ होली खेलेंगे, इसीलिए ये भांग बना रही हूँ। पहले माधव भांग के नशे में धुत होगा, फिर मेरे हुस्न के नशे में। अगर मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ नहीं लगाए तो एक और चीज है जिससे तुम्हारा काम बन सकता है। Are you sure आप 2017 में चंबिया यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई है? Of course. चंबिया यूनिवर्सिटी 2015 में बंद हो चुकी है। Now get out of my office. जिन्होंने धोखा दिया वो तो हमारी असली माँ ही नहीं है, हमारी असली माँ तो यहाँ है। आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए। लेकिन मिश्री, इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। ऋषिवर, हमारी पुत्री और आपकी शिष्य काशी का जीवन संकट में है। उस असुर का अंत केवल ये बालक कर सकता है, इसलिए हम चाहते हैं ऋषिवर कि आप इस बालक को रात्रि भर में पूर्ण युवा कर दें। महादेव का प्रतिरूप बनार। हे महादेव, हर पिता विवाह के उपरांत अपनी पुत्री और जमाता को उपहार देते हैं। कहो बनार, हमसे क्या उपहार चाहते हो? मैं अपने और काशी के निवास के लिए आपका कैलाश चाहता हूँ। पापा कुछ करो ना, हमें भी इन लोगों की तरह होली मनानी है। अम्मा देखो ना, जब मौसम में दिवाली आएगी। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, दिन में दिए लगाना, दिन में पटाखों फोड़नो, फुलझड़ी जलानो, रसगुल्लो बनानो।